हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्नैक्स में भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पनीर के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 1 कप बेसन, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हरी चटनी 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच सेजवान सॉस, रिफाइंड ऑयल पकौड़े को डीप फ्राई करने के लिए। अब हम सबसे पहले पनीर को बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से काटेंगे जिस तरह से मैं काट रही हूँ। ये हमने पनीर को काट लिया है। अब हम पनीर को बीच में से काटेंगे, मतलब कि पनीर के हर एक पीस को बीच में से काटेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप भी बिल्कुल इसी तरह से पनीर को बीच में से काट लें। ये हमने सारे पनीर को काट लिया है। अब हम पनीर के स्लाइसेस के बीच में हरी चटनी और सेजवान चटनी लगाएंगे। आप इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आधे पनीर में सेजवान चटनी लगाऊंगी और आधे में हरी चटनी। यह आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने दो पनीर के स्लाइस के बीच में हरी चटनी लगा दी है। अब मैं सेजवान चटनी लगाऊंगी और हम बिल्कुल इसी तरह से सारे स्लाइसेस में चटनी लगा लेंगे। ये मैंने सारे पनीर में चटनी लगा ली है। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम पकौड़े बनाने के लिए बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम 1 कप बेसन ले लेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इन मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हम एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और बेसन का घोल हमें गाढ़ा ही रखना है। ये हमारा बेसन का घोल बन करके तैयार है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। अब हम पकौड़े तलेंगे और पकौड़े तलने के लिए हम गैस की फ्लेम जलाकर एक कढ़ाई या पैन गरम कर लेंगे। और पैन के गरम हो जाने पर हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो करने के बाद हम इसमें एक एक करके पकौड़े डालेंगे। बेसन के घोल में हम पनीर को अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसे हम तेल में डाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी बना लेंगे। पनीर को मैं हाथ से बेसन में डिप कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस आपको ध्यान देना होगा कि बेसन का घोल गाढ़ा होना चाहिए। ये मैंने सारे पकौड़े तेल में डाल लिए हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए तल लेंगे या फिर इसे हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक के लिए तलेंगे। और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से तले। लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पकोड़े का कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे पकोड़े को 2 मिनट के लिए तल लेंगे ताकि पकोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। और हाई फ्लेम करने के बाद हम पकोड़े को चलाते भी रहेंगे, पलटते भी रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से तले और क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और पकोड़े हमारे अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये हमने पकोड़े को प्लेट में सर्व कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे स्नैक्स में खा सकते हैं या फिर स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये पनीर के पकोड़े पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।